हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अगर अपने स्पर्म को डोनेट करना हो तो आप कहाँ जाकर किस तरीके से अपने स्पर्म को डोनेट कर सकते हो। पहले भी मैंने स्पर्म डोनेशन पे एक वीडियो बनाई थी, बट कुछ जानकारी उसमें मिसिंग थी। तो आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। जिस तरीके से रक्तदान होता है, आप अपने ब्लड को डोनेट करते हो, वैसे आप अपने स्पर्म को भी डोनेट कर सकते हो। तो क्या हर कोई स्पर्म को डोनेट कर सकता है, किसी भी उम्र का हो? स्पर्म को डोनेट करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस तरीके से क्या क्या फॉर्म फिल करना होगा, इन सभी जानकारी को आज की वीडियो में आपको समझाऊंगी। आज की वीडियो अगर आप पूरी देखोगे तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं और सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी कि आपको अगर अपने स्पर्म को डोनेट करना है तो किस तरीके से, कहां जाकर, किस माध्यम से आप अपने स्पर्म को डोनेट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या है इस वीडियो में, क्या है पूरा ये टॉपिक। देखो, लिखा हुआ है कि स्पर्म डोनेशन के लिए आपको अपने शहर के स्पर्म बैंक में जाना होगा। अगर आपको अपने स्पर्म को डोनेट करना है तो उसके लिए आपको अपने शहर के स्पर्म बैंक में जाना होगा। अगर आपको लगता है कि घर से स्पर्म को लेकर जाएंगे और वहां पर जाकर डोनेट कर देंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। स्पर्म बैंक में ही जाकर वहीं पे आपको अपने स्पर्म को निकालना होगा। घर से ले जाया गया स्पर्म मान्य नहीं होता है। तो आप अगर घर से सोचोगे घर से स्पर्म को ले जाता हूँ, वहां जाकर डोनेट कर दूंगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे, आप अपने शहर का स्पर्म बैंक ढूंढोगे, वहां पर जाकर डोनेट करोगे। आगे लिखा हुआ है, फिर आपके पूरे शरीर की जांच होगी। अगर आपको कोई बीमारी हुई तो वो बच्चे के लिए खतरा हो सकता है। जाहिर सी बात है, अगर आपको अपने स्पर्म को डोनेट करना है तो जो माँ बाप के गुण होते हैं वो बच्चे में आते हैं। अगर आपको कोई बीमारी हुई तो बच्चे के स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जीन के जरिए उसके अंदर जाएगा। इसीलिए आपके पूरे शरीर की जांच की जाती है कि कोई आप में दिक्कत, कोई बीमारी, कोई रोग तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ आयु, कि अगर आपको स्पर्म डोनेट करना हो तो आपकी उम्र क्या होनी चाहिए। क्या किसी भी उम्र का व्यक्ति स्पर्म को डोनेट कर सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूल के अकॉर्डिंग भारत में डोनर की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। अगर आपकी आयु 21 वर्ष से कम है या फिर अगर आपकी आयु 35 वर्ष से अधिक है तो आप अपने स्पर्म को डोनेट नहीं कर सकते हो। अब पूछोगे ऐसा क्यों, मेरे पास तो ज़्यादा स्पर्म है, मुझे तो स्पर्म काउंट की समस्या है नहीं, तो मैं डोनेट क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आप बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हो जब आपकी एज होती है 21, 22 या फिर 35 तक। आप अपने मोस्ट फर्टाइल विंडो में चल रहे होते हो, इसीलिए आपके स्पर्म इस एज में ज्यादा अच्छे होते हैं, ज्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है। अब कह रहा है फिजिकल टेस्ट की, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ आपकी उम्र देखी गई कि अरे आप तो 21 साल की हो तो आपके पास तो भर मारोगे स्पर्म की, काम करते डोनेट करवा लेते हैं। कुछ फिजिकल टेस्ट भी होते हैं। क्या क्या टेस्ट होते हैं, देखो लिखा हुआ है कि आपके रक्त और पेशाब की जांच की जाती है, HIV और यौन संचारित रोगों का पता लगाया जाता है। कहीं आपको HIV तो नहीं है, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो नहीं है? अगर कोई आपको यौन संचारित डिजीज होगा, रोग होगा, तो बच्चे में जाने का खतरा बना रहेगा। आपको HIV तो नहीं है? सभी चीज़ों की क्या की जाती है, जांच की जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है अगर आपको रेगुलर स्पर्म डोनर बनना है तो हर छह महीने में आपको फिजिकल टेस्ट कराना होगा। क्योंकि जैसे आप बताओ, क्या जिंदगी में एक बार ही रक्तदान करते हैं? नहीं करते ना, बार बार भी कर सकते हैं। तो वैसे जरूरत हो ना कि आप सिर्फ एक बार ही स्पर्म दान करोगे, आप बार बार डोनेट कर सकते हो। तो अगर आपको बार बार स्पर्म डोनेट करना है तो आपको हर 6 महीने में अपना फिजिकल टेस्ट करना होगा। क्योंकि जरूरी तो नहीं कि पहली बार आप स्वस्थ थे तो दूसरी बार भी आप क्या रहो, स्वस्थ रहो। इसीलिए बार बार, जितनी बार जाओगे उतनी बार आपको अपना फिजिकल टेस्ट कराना ही पड़ेगा, ठीक है। और स्पर्म डोनेट करना बहुत अच्छी बात होती है। जैसे मान लो कि कोई ऐसे दंपति हैं, कोई ऐसे कपल हैं जिनकी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो बहुत ही कोशिशों के बाद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको स्पर्म को डोनेट करने से उनको बच्चा मिल जाता है, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ जाती है, तो इसमें हर्ज क्या है। अब बहुत सारे जो रूढ़िवादी समाज के होते हैं, बहुत ही नैरो माइंडेड लोग होते हैं, वो कहते हैं किसी और का बच्चा हम कैसे रख सकते हैं, किसी और का बच्चा हम कैसे पाल सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। देखो, जो बहुत ही इन्फॉर्मेशन होती है तो वो इन्फॉर्मेशन जो बैंक होता है कभी वो डिस्क्लोज नहीं करता कि किसका स्पर्म आपके अंदर आ रहा है, या फिर मान लो किसी ने स्पर्म अपने डोनेट किया, अपना स्पर्म, तो उसको कभी नहीं बताया जाता कि आपका स्पर्म हमने इस जोड़े को दिया है। तो इन सब की जानकारी गुप्त रखी जाती है और बेसिकली आपको अपनी आगे आने वाली पीढ़ी मिल रही है, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है, ठीक है। अब देखो आगे लिखा हुआ है जेनेटिक टेस्ट, आपके जेनेटिक का टेस्ट भी किया जाता है कि रक्त के माध्यम से जेनेटिक बीमारियों का पता लगाया जाएगा। कि ऐसा तो नहीं कि कोई बीमारी है जो कि पता नहीं चल रहा, कोई जेनेटिक बीमारी है तो उसका भी पता लगाया जाता है, ठीक है। फिर देखो लिखा हुआ है फैमिली का मेडिकल इतिहास भी देखा जाता है कि कहीं आपके मेडिकल जो आपकी फैमिली थी उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी। आपका सेक्सुअल इतिहास भी देखा जाता है। अब आप कहोगे ये कौन सा इतिहास होता है, तो सेक्सुअल इतिहास मतलब कि आप शादीशुदा हो या फिर आप शादीशुदा नहीं हो, आपके सेक्सुअल लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, आपके इजैकुलेशन का टाइम क्या है, इन सभी जानकारियों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है।
आगे देखो लिखा हुआ है कि स्पर्म टेस्ट, कि अब इतने सारे टेस्ट के बाद आपको एक डिब्बी मिलती है, उस डिब्बी में आपको मास्टरबेशन के जरिए डिब्बी में स्खलन करना होता है, यानी कि इजैकुलेशन करना होता है, उस डिब्बी में आप इजैकुलेट करके वापस दे दोगे जिस डिब्बी में आपका स्पर्म होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके वीर की जाँच होती है, कि पहले तो आपकी पूरा फिजिकल टेस्ट हो गया बट वीर का जांच थोड़ी हुआ था, अब जब आपने उस डिब्बी में मास्टरबेशन की हेल्प से स्खलन करा है, इजैकुलेट करा है, तो अब आपकी वीर की जांच होती है कि सब कुछ सही है या नहीं सही है, स्पर्म काउंट ऐसा तो नहीं बहुत लो है, या फिर जो स्पर्म है वो मूव नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको समझाया था ना कि आपके पास बहुत स्पर्म है, आपके पास मिलियंस ऑफ स्पर्म है, बट वो स्पर्म मरे हुए हैं, वो मूव ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है इस स्पर्म होने का। आपके पास बहुत सारे स्पर्म है बट आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार स्ट्रक्चर है, ऐसा स्ट्रक्चर है कि वो एग को फर्टिलाइज ही नहीं कर पाता है, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता है, तो क्या फ़ायदा है इस स्पर्म का। तो सब कुछ उस वीर का जाँच होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वीर की जांच होती है, अब आपको फॉर्म भरना होगा। अब आप सोचोगे किस बात का फॉर्म, उस फॉर्म में आपकी सारी जानकारियां होती हैं, जैसे कि आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपका आपको क्या पसंद है, मतलब हर एक चीज़ बेसिक चीज़, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे गुण जो कि माँ बाप में होते हैं वो बच्चों में आते हैं, तो आपके सारे क्वालिटीज़ को लिखा जाता है कि आप मतलब जब कोई स्पर्म लेता है ना, जब आपने मान लो स्पर्म डोनेट कर दिया, तो कोई कपल होगा जो कि आपके स्पर्म को लेगा, ठीक है, तो वो लेगा तो वो सेलेक्ट करते हैं कि हमको इस क्वालिटी वाला स्पर्म डोनर चाहिए, जिसके अंदर ये उसकी हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका रंग ऐसा होना चाहिए, उसका कास्ट ऐसा होना चाहिए, वो पढ़ने बढ़िया होना चाहिए, वो स्पोर्ट्स बढ़िया होना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है जब आपके पास ऑप्शन है तो आप क्यों ही नहीं अच्छा ऑप्शन चूज़ करोगे, तो इसीलिए सॉरी मार कर दिया, तो इसीलिए क्या होता है कि आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, आपको सारे फॉर्म को फिल करना पड़ता है। फिर लिखा हुआ है आपके स्पर्म को फ्रिज करके रख दिया जाता है, अगर आपके स्पर्म और आप की क्वालिटी अच्छी होगी तो आपको डोनर के रूप में चुन लिया जाता है। ये सब कुछ टेस्ट होता है, अगर आपका स्पर्म बिल्कुल A1 है तो आपको सिलेक्ट किया जाता है कि आप बिल्कुल सही हो, हिस्टोपुष्ट हो, आपका वीर भी बिल्कुल अच्छा है, तो आप अपने स्पर्म को डोनेट कर सकते हो, और उस स्पर्म डोनेट करने के बदले आपको अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। अब बिल्कुल पैसे मिलते हैं तो बिल्कुल पैसे मिलते हैं, अगर आप अपने स्पर्म को डोनेट करते हो तो आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं। अब आप पूछोगे कितने पैसे मिलते हैं, तो देखो वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, कि ज़्यादा अच्छा एरिया होता है तो वहाँ के जो बैंक वगैरह होते हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा चार्ज देते हैं, अगर अच्छा एरिया नहीं है तो थोड़े कम पैसे मिलते हैं। उसके बाद भी आपके स्पर्म की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, जाहिर सी बात है जिसकी स्पर्म की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जिसका फिजिक बहुत अच्छा होगा, उन सबको क्या मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है। बट तकरीबन अगर मैं अप्रोक्स की बात करूँ तो एक बार स्पर्म डोनेट करने से 8,000 से 10,000 तक पैसे मिल सकते हैं, इवन इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो को देखने से आपको एक एक बात पता चल गई होगी, और अगर आपको अपने स्पर्म को डोनेट करना होगा तो इस जानकारी से अब आप अपने स्पर्म को बहुत ही ईजिली फट से क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। तो स्पर्म डोनेट करिए, अच्छी बात होती है, इससे किसी को खुशी मिल सकती है, और जाहिर सी बात है किसी और को खुशी मिलेगी तो आपको स्पर्म को डोनेट करके भी एक अंदरूनी रूप से भी आपको भी खुशी मिलेगी। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।